चाउमीन के लिए कौन सी प्लेट लें, कौन सा मसाला लें, कितनी चाउमीन दें, कंप्लीट समझो। तो हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चाउमीन की रेसिपी। के साथ मैं आपको बताऊंगा चाउमीन की दुकान कैसे खोलें, चाउमीन में क्या क्या लगता है, चाउमीन में कितनी मार्जिन है, चाउमीन कितनी बेचें, कितनी दें, किस रेट से दें, कौन सी बोतल लें, कौन सा नहीं लें। मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाउमीन खाने का शौकीन भी और ये मेरा फेवरेट बिजनेस है, क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम तक करा है, इसलिए मुझे फुल एक्सपीरियंस है कि इसमें कैसे क्या करा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बनाना सिखाता हूँ, आखिरी में मैं आपको बता दूँगा कि इसे किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम ज़्यादा आइटम ले रहे हैं, इसमें हम डालने के ले रहे हैं सिर्फ शिमला मिर्च, प्याज और गोभी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीन आइटम हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये तीन ही आइटम खाता हूँ, अगड़म बगड़म मेरे समझ नहीं आती। गाजर वाजर में ज़्यादा हम लोग वीडियो में दिखाने के लिए जरूर डालते हैं, मगर हमें गाजर सारा समझ में नहीं आती, वो गाजर चीज़ें मीठी मीठी हो जाती है। सोसाइटी का आदमी से ज़्यादा पसंद करता है मीठा मीठा, क्यों? सोसाइटी का आदमी अगर कोई हलवाई का लाइन का आपके सामने बंदा हो तो ज़रूर पूछना कि स्पाइसेस जो होते हैं वो सोसाइटी में नहीं चलते, तेल मसाला बहुत कम चलता है, इस वजह से सोसाइटी में गाजर मूली ज़्यादा चल जाती है, ठीक है। और हमारे जैसे गांव जैसे या स्ट्रीट फूड वाले लोग हैं वो स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं और ऑयली तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आती, तो हम लोग जब दुकानों पर बेचते थे अपने चाउमीन तो हमसे भी तीन आइटम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और इसके बाद में आपको और भी चीज़ों स्पेशल मसाले वगैरह यूज़ करते थे, इस मसाले कैसे यूज़ करते थे और क्या नहीं डलता था, किस मसालों को किस तरीके से यूज़ करा जाता है वो भी लोगों को नहीं पता है फ्रेंड्स। और मैं आपको आज इस वीडियो में खुल के जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना। और आपको मसालों के बारे में आज तक किसी ने बिल्कुल डीपली नहीं बताया होगा जो मैं आपको डीपली बताने जा रहा हूँ। और मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को देख के कम्प्लीट और उस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आपने चाउमीन बना ली तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से ध्यान से समझते रहिए और सुनिए मेरी कहानी जो मैंने इतनी साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे साथ बहुत बड़े बड़े उस्ताद रहे हैं चाउमीन के, जिन्होंने ज़िंदगी बिता दी चाउमीन बेचते बेचते, और आज भी वो चाउमीन ही बेच रहे हैं और उनका नाम बहुत चलता है। मैं वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि सही नहीं रहता, ठीक है ना। और कई लोग तो बुरा भी मान जाते हैं कि यार तो फुल रेसिपी बता रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा ताकि उन्हें बुरा भी लगे और आप तक आपके उनकी रेसिपी पहुँच जाए पूरी तरीके से कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनकी चाउमीन में बहुत स्वाद आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये तीनों चीज़ आपके सामने काट ली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और हमें इसमें क्या चाहिए, तो चलिए ये चीज़ें हमने काट ली। तो अब फ्रेंड्स हमने एक पतीले में पानी गर्म करने का रखा था, ठीक है। ये मैं घर में बना रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि आप इसी तरीके से बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो गर्म पानी होने के बाद उसमें चाउमीन ऐड करें आप, अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो चाउमीन का थोड़ा हिसाब किताब बदल जाता है बनाते समय, उबालने में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो कहीं आपकी चाउमीन पकेगी कभी नहीं पकेगी कहीं से, ठीक है। और चाउमीन उबालने में भी कलाकारी होती है फ्रेंड्स, सबके बस की बात नहीं होती चाउमीन उबालना, ठीक है। तो देखो हमने गर्म पानी में चाउमीन डालिया और उसे हमने 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी तक अब चाउमीन का असली खेल अब शुरू होता है। देखो जैसे चाउमीन झाग सा बन जाए उस ढक्कन को तुरंत हटा के चेक कर लेना बीच में से, ठीक है। और अब चाउमीन उबलने लगी है तो समझ लीजिए अब इसे चेक करना है और 2 से 4 मिनट ऐसे चलानी है चाउमीन, ठीक है। और चाउमीन चला के ऐसे चेक करके बाहर निकालनी, जैसे आपको लगे पक जाए तो समझ लीजिए इसे निकाल लेना है। मगर ये झाग सा नहीं आ रहा है तो मतलब तो चाउमीन में कुछ नहीं हो रहा, जैसे झाग सा बनना शुरू हो जाता है ना चाउमीन उबलना शुरू ही तब होती है कायदे से, और उस टाइम पे चाउमीन पे ध्यान दिया जाता है। 4 से 5 मिनट अगर आप चाउमीन को हिला के इधर उधर करके आपको उसकी गैस बंद कर लेनी है, उसके बाद आपको इसका पानी निकालना है, ठीक है। ये बिल्कुल कायदे का फॉर्मूला है जो सबको नहीं पता, ठीक है। अगर इस तरीके से आप कभी भी चाउमीन उबालेंगे, देखिए इस तरीके से, तो कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। और चाउमीन को उस टाइम उसके बाद आपको पतली से निकाल के धो लेना है,
और धोना भी कैसे, इसी बर्तन से कोई जाली वाली क्रेट ले लो, जैसे आपने देखा होगा मंडी में सब्जी की क्रेट होती है, उसमें ज़्यादा काम करना था उस मंडी क्रेट सब्जी वाली क्रेट ले सकते हैं। और मैं तो घर में बना रहा हूँ तो मैं तो छलनी ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे फलों की क्रेट आती है, फलों की टोकरी आती है, तो उसमें भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। कमर्शियल काम में तो वही चलती है भाई, ठीक है, वही ईजिली हो जाता है। तो ये हम तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लोहे की कढ़ाई ली है, ठीक है। अब आपको हम पहले चाउमीन बनाना सिखाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे पूरी तरीके से, एंड में बताएंगे हम आपको कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे मसाले लगते हैं जिससे चाउमीन का स्वाद आता है, और कितनी मात्रा में लगते हैं, और कौन से ब्रांड के होते हैं वो, और उसमें ऐसा क्या होता है जो उसमें चाउमीन में बेटर से बेटर स्वाद देते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आपके सामने जो हो रहा है वो उसके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद और इसके बिजनेस के बारे में आखिरी में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्याज तल रहे हैं, अच्छे से भूंज रहे हैं, ठीक है। कोई भी चाइनीज़ आइटम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी सब्जी अगर हम बनाएं तो प्याज को बिल्कुल ब्राउन करके भूंजा जाता है, मगर चाइनीज़ आइटम में ब्राउन करके नहीं भूंजा जाता, सिर्फ उसे पका लिया जाता है, ब्राउन नहीं करा जाता, ठीक है। उसका फ्लेवर आ जाए, वो पक सी जाए, समझ लीजिए उसका काम हो गया है। तो उसके बाद हम इसमें, हमने शिमला मिर्च आपने डाली थी तो आप देख सकते हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे गोभी। गोभी हम इसी तरीके से भूनेंगे जिस तरीके से हम प्याज भून रहे हैं, ठीक है। पहले हम अपने प्याज भून लेते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद हम आपको गोभी भून के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने गोभी ली है और गोभी हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब गोभी को हम इसे इसी तरीके से भून लेंगे गोभी के, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने गोभी भूंज रहे हैं इस तरीके से, आपको भी गोभी इसी तरीके से भूननी है जिस तरीके हमने प्याज भूंजी है, उतनी ही हमको गोभी भूंज लेनी है, ठीक है। अब गोभी भूनने के बाद जो हमने चाउमीन उबाली थी वो आपके सामने कढ़ाई में डाल रहे हैं, देख लीजिए आप। इस तरीके से आपको कढ़ाई में डाल लेनी है, और सबसे पहले अब चाउमीन को मिक्स करना है, ठीक है। चाउमीन को मिक्स करना है, अगर आप एक हाथ से क्षमता रखते हैं तो एक हाथ से रखें, वरना दूसरे हाथ से आप बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हम लोग तो एक हाथ से बनाते हैं, मगर इस टाइम मैंने कैमरा पकड़ रखा है और आपको समझा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं उचित दिखा नहीं सकता आपको करके, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, देख लीजिए, और हम इसमें कर रहे हैं ऐड नमक, ठीक है। नमक और मिर्च में ऐड करी है हमने, और आप जो इसमें मसाले डालेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा मैगी मसाला अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है, ये आगरा में मिलता है किलो के भाव में, और अगर दिल्ली के हो और किसी और किसी स्टेट के, तो यहाँ आपको मैगी का मसाला मिलेगा 5 रुपये पैकेट में, ठीक है। अगर आपको एक नया यूनिक टेस्ट देना है तो कस्टमर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। और हमने ऊपर से डाला इसमें गरम मसाला। गरम मसाले की कहानी मैं आपको एंड में समझाऊंगा, क्योंकि गरम मसाले की कहानी को समझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, तो वो हम आपको एंड में समझाएंगे पूरी कायदे के साथ। तो हमने देखिए ये सब डाला है, और हमने सिरके की जगह घर में बना रहा हूँ, मैं अपने सिरका दुकान में रखा था, मैंने क्या लेके आऊँगा इस छोटे में नींबू डाल देता हूँ। अब ये मेन चीज़ हमारी एक और निकल गई, आपके सामने डाली मैंने अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे क्या छुपाना, आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ एक तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट एक तरह की मोमोज की चटनी ही है फ्रेंड्स, इसीलिए स्पेशलिस्ट लोग इसके अंदर इसे ऐड कर देते हैं, और ये इसके साथ ऐसी चाउमीन का फ्लेवर बनाता है कि अनाड़ी बंदा भी इसे खिलाड़ी बन जाए। अगर आपको मेरी बात को विश्वास ना हो तो घर में बना लेना और इस पेस्ट को डाल लेना, और अभी मैं आखिरी में आप जब समझोगे ना मेरे चाउमीन के हिसाब से कि चाउमीन आपको कौन कौन से मसाले किस तरीके से लगाए जाते हैं, और कौन सा आपको बर्तन यूज करा जाता है, कौन सी बोतल यूज करी जाती है, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्यों और कैसे, ठीक है। तो आप पहले चाउमीन बनाना सीख लीजिए। अब चाउमीन को हमारे को 5 से 10 मिनट ऐसे चला लेना है, ठीक है, क्योंकि चाउमीन तो हमने बना ली, अब ये मसाले पका रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम मसाले पका रहे हैं ताकि चाउमीन पे मसाले चढ़ जाएं और चिपक जाएं, बढ़िया से पक जाएं, ठीक है। तो लगभग हमारी चाउमीन पक चुके हैं, देखिए एक नंबर की आपके सामने बन चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे अपनी प्लेट में, और अब आपको समझाएंगे हम कि आखिर इसमें सिस्टम क्या है, ठीक है, कौन से मसाले लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। तो
अब आपकी आ गई समझाने की बारी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ केबीएम मसाला। शुरू करते हैं नॉलेज की बातें। तो ये हमारा केबीएम गरम मसाले का पैकेट है, ठीक है। इस मसाले के अंदर कई विशेषताएं हैं चौमिन के मामले में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषता बताते हैं आपको कि इसकी पहली विशेषता है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन टेस्ट है, ठीक है। अगर आप इसमें चौमिन में मैगी मसाले को नहीं मिलता तो इस मसाले को ध्यान से देखिए और ये मसाला इस्तेमाल कीजिए केबीएम का, ठीक है। क्योंकि इस मसाले का फ्लेवर बहुत बेटर आता है अदरक लहसुन मिर्ची के पेस्ट के साथ, ये जान फूंक देता है उसके अंदर फ्रेंड्स। और इस मसाले का बिल्कुल रेट डाउन है, ये 10 से 12 रुपए किलो मिल जाता है, सॉरी 10 से 12 रुपए का पैकेट मिल जाता है होलसेलर से, बहुत सस्ता मसाला है। और इसमें एक बात और भी है जो लोगों को किसी को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहीं सुना है कि पिसी हुई धनिया डलती है चौमिन के अंदर, सुनी है? नहीं सुनी होगी ना। इस गर्म मसाले की ग्रास की बात यह है कि इसके अंदर धनिया पाउडर मिक्स होता है फ्रेंड्स, और धनिया पाउडर से चौमिन इतनी बेहतरीन लगती है फ्रेंड्स कि आप खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स कि जब भी इसके भी मसाले का यूज़ करो तो समझ लीजिए खोलने के बाद इसे 3 से 4 घंटे में ख़त्म करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते तो इसका कोई बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में इसे इस्तेमाल करके रख दो, डब्बे का ढक्कन बंद करके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस जो मसाले का स्वाद है, फ्लेवर, सब कुछ उड़ जाएगा, आपके हाथ में सिर्फ मसाला रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस मसाले का तरीका यूज करने का यही है। जो बड़े बड़े हमारे पे जो उस्ताद लोग हैं वो पता है क्या करते हैं, वो इसके 50-50 ग्राम के पैकेट ही लेते हैं, ताकि एक पैकेट में कितना निकलता है 50 ग्राम, कुछ नहीं। 3 घान चौमिन की ख़त्म करो, ख़त्म, 3 चौमिन की घान मारो, ख़त्म, ठीक है। पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी, दूसरी भी बता देता हूँ, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाएं, ठीक है। वो आप किसी भी मोमोज की वीडियो मेरे आप चेक कर लीजिए कैसे बनता है। और आप चलते हैं दूसरी लॉजिक वाली बात पे। ये हमारी दूसरी जादुई की छड़ी, ये आपको टमाटर सॉस की बोतल दिखाई दे रही है ना फ्रेंड्स, मगर ये बोतल नहीं है, ये वरदान है चौमिन के लिए। आप बोलोगे ये कैसे, तो ये टमाटर सॉस मत देखिए, सिर्फ इस बोतल को देखिए। ये बोतलें आपको 4 से 5 या 6 या 7 जितनी भी आपको मिल जाए, ये मिल जाए, आपका काम और बढ़िया चल जाएगा। क्योंकि इस चौमिन, आप चौमिन बोलो, इस मान लीजिए आपने कभी भी टमाटर सॉस खाई होगी तो आपने नोटिस करी होगी कि आप टमाटर सॉस की बोतल में से चटनी निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसे हिलाएं और कोई ऑप्शन नहीं, दबा नहीं सकते, हिला ही सकते हैं बस। और हिलाने के बाद भी कौन सा ज़्यादा निकल जाती है, मात्र बहुत धीरे धीरे निकलती है, आदमी थक जाता है, ठीक है। तो टमाटर सॉस की बोतलें आपका यही काम करते हैं। जब आप रेडी पे चौमिन की चौमिन के लिए चटनी भर के रखेंगे ना इस बोतल के अंदर, तो फ्रेंड्स चटनी निकलती ही नहीं है, क्योंकि ये दबा नहीं सकता कस्टमर इसे। और चटनी ठीक ठाक बना के रखें गाढ़ी सी, तो आपका कस्टमर ज़्यादा चटनी खाएगा ही नहीं, खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर जुगाड़ ही नहीं है, दबा सकता नहीं है, ठीक है मैं, दबा सकता नहीं है। और आज के टाइम में टाइम की बड़ी ईमानदारी से कीमत हो गई है भाई, टाइम के चक्कर में आदमी बहुत स्पीड से काम कर रहा है। इसीलिए अगर जब चौमिन में चटनी खाने की बात आती है ना फ्रेंड्स, तो लोग चटनी भी छोड़ देते हैं, देखते हैं यार दो बंदे पहले से आने लगे बोतल डालने के लिए, तीसरा मैं लग जाऊँ, जब मैं खा पी के निकल लूँगा, तो इसलिए आदमी परेशान हो जाता है और इससे चटनी की बचत होती है। अगर आप और इससे आपकी चटनी में ना दिखाने की फैसिलिटी बढ़ती है, मतलब लगता है किसी टंकी रेडी पर, अगर आप रेडी पे 10 से 12 बोतल से लगा दो लाइन से चटनी से भर के सिरके से भर के, भाई साहब आपकी दुकान दूर से लगेगी, हाँ भाई किसी ढंकी चौमाले ने खोल रखी है, ठीक है ना। फिनिशिंग और फैशन के ज़माने में जितनी आपकी चीज़ देखने में सुंदर होगी रेडी वगैरह, उतने ही आपको पैसे और कस्टमर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चौमिन इस बोतल का इस्तेमाल करें, खाली बोतल का जुगाड़ करें कहीं ना कहीं से, आपको ये कबाड़ी की दुकान पर मिल सकती हैं आसानी से, ठीक है।
और बाकी आप दुकानदार से पूछो कि कहाँ कौन ले जाता है उससे, तो अपने आप उस जगह से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन बोतलों का बहुत फ़ायदा है फ्रेंड्स। और अभी चलते हैं आगे की कहानी कि चाउमीन में जो हमारी और फ्रेंड्स चाउमीन में जो चटनी डलती है ना आपकी, कौन सी वाली जो हम बोतलों भर के रखते हैं फ्रेंड्स, वो आती भी बड़ी सस्ती है आपकी, 50-60 रुपए में 5 लीटर की आती है, मतलब 10 से 12 रुपए में आपको 1 लीटर चटनी पड़ती है। तो और क्या लोगे भाई, है ना, इस रेट में। तो चाउमीन का काम मेरा फेवरेट काम भाई, क्योंकि ये अकेला बंदा इसे, आपको फार्मूला उसको हमारा समझ में आ जाए तो आराम से कर सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, ऐसी जगह रेडी लगाएं जहां आप जैसा और बंदा कोई खड़ा ना हो, ठीक है। तो आप इस मामले में राजा बन जाओगे, ठीक है। टेस्ट के तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी, ठीक है। नमक और आपको मैं फ्लेवर बता देता हूँ, और भी एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डालना है। यूनिक चाहिए तो मैगी मसाला डाल लीजिए, अगर यूनिक नहीं चाहिए तो गर्म मसाला काफ़ी है। गरम मसाला, नमक, मिर्च, ये 3 आइटम डाल दिए। चौथा आपका अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट होगा। इन चारों चीज़ों को ऐड करके आपके चाउमीन में धमाका हो जाएगा, और जो खाएगा वो ज़रूर पूछेगा कि भाई चाउमीन तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है, चाउमीन की अगर दुकान खोलना चाहते हैं तो इस 15 से 20 मिनट की वीडियो को आप सुन लेंगे ध्यान से, तो आपका जीवन बदल जाएगा। जाते फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको चाउमीन की क्वांटिटी कितनी रखनी है और कैसे रखनी है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर पनीर वगैरह बढ़ा के बेचना चाहते हैं तो पनीर बढ़ा के बेच लीजिए, मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चाउमीन 10 रुपये में 100 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देनी, ठीक है फ्रेंड्स। चाउमीन आपको 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं देनी 10 रुपये में, और अगर आप स्पेशल बना के बेच रहे हैं तो 15 रुपये में भी 100 ग्राम ही दे, ठीक है। अगर आपको मार्जिन लेनी है भाई, ठीक है, कमाने का धंधा है, ठीक है। क्योंकि चाउमीन इतनी भी सस्ती नहीं पड़ती, मगर आप कभी भी मार नहीं खाएंगे अगर मेरे फार्मूले चलेंगे। चाउमीन अगर आप बेच रहे हो तो जो प्लेट लेना, जो प्लेट लेकर आए, ठीक है, डिस्पोजल जिसे आप कहते हैं, वो अंदर से गहराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितनी गहराई होगी उतना आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सी प्लेट लेनी है, बटर प्लेट आपको दिखा दे। तो देखिए फ्रेंड्स आपको हमेशा जो प्लेट लेनी है वो है ये बटर प्लेट फ्रेंड्स। इसमें गहराई नहीं होती, आप इसमें कितना भी माल डाल दो वो आपको प्लेट भरी हुई मिलेगी। 100 ग्राम चाउमीन से ये प्लेट ऊपर तक भर जाती है फ्रेंड्स। आपको देखने में भी, देने में मज़ा आएगा, कस्टमर को लेने में मज़ा आएगा भाई साहब। ये बहुत पुराने रिसर्च है, कई सालों से हमने चाउमीन बेची, इसलिए हमें नॉलेज अच्छी खासी है कि कस्टमर से कैसे खुश करा जाता है, ठीक है। इस प्लेट का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चाउमीन में देने लेने में दोनों में बहुत बेटर मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो इस प्लेट का भी इस्तेमाल करना है, और आपको चाउमीन के कांटे थोड़े से मजबूत लेने हैं, और अगर लोकल इलाका है तो आप हल्की क्वालिटी के भी ले सकते हैं, जैसे गांव देहात में लगते हैं, देखिए मैं रंगीन कांटे होते हैं वो भी चलेंगे, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। मगर प्लेट आपको यही लेनी है, ये ना मिले तो कोई और ले, मगर एक चीज़ का ध्यान रखें, उसमें गहराई बिल्कुल ना हो, क्योंकि गहराई वाली प्लेट में चाउमीन डालते हुए चाउमीन गायब हो जाती है, इसकी गलती आप ना करें।
ठीक है।